अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे बच्चों, ऑल मैटर इज कंप्राइज्ड ऑफ टाइनी डेफिनेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अच्छा प्यारे बच्चों, ये पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, एटम्स आर इंडिविजिबल, यानी एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। और आपको पता है प्यारे बच्चों, हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। वो एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, ऑल एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट शेयर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वेट। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको बताइए, ये पॉइंट भी ठीक नहीं है। आपको पता है जो एटम के आइसोटोप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, तो उनकी वजह से उनका वेट, उनका मास डिफरेंट होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैस। ये प्यारे बच्चों पॉइंट एक्यूरेट है। आपको पता है हाइड्रोजन का मैस 1.008 amu है, कार्बन का 12 amu है, सोडियम का 23 amu है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर रेशो। और ये होल नंबर रेशो क्या होती है प्यारे बच्चों? फिक्स्ड होती है। यानी प्यारे बच्चों, ये पॉइंट आप कह लो आइडेंटिकल है विद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और प्यारे बच्चों लास्ट पॉइंट है, इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड, एटम्स कंबाइन होते हैं या प्यारे बच्चों सेपरेट होते हैं या प्यारे बच्चों रीअरेंज्ड या रीअरेंज होते हैं, रीअरेंज्ड। Thank you and Allah Hafiz.